नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कल बीजेपी को लेकर ऐसा बयान दिया था जिसके बाद यह कहा जाने लगा था कि आरएसएस बीजेपी में सब ठीक नहीं है, आरएसएस बीजेपी से बहुत ज्यादा नाराज है, कहीं ये सियासी दुष्प्रचार तो नहीं है। आइए जानते हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 241 सीटों पर क्यों सिमट गई, इस पर बयानबाजी का दौर अब तक जारी है। विपक्ष तो हमले बोल ही रहा है, अब तो संघ भी सवाल उठा रहा है। और सवाल क्या, संघ नेता इंद्रेश कुमार ने तो सीधा प्रहार कर दिया है। इंद्रेश कुमार ने बीजेपी को लेकर ऐसा बयान दिया था जिसके बाद आरएसएस को अछूत मानने वाली पार्टियां उसके नाम की माला जपने लग गई थी। ये कहा जाने लगा था कि आरएसएस बीजेपी में सब ठीक नहीं है। इंद्रेश कुमार के बयान पर संघ ने क्या कहा, ये जानने से पहले सुनिए वो बयान जिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर एक ने बने नंबर दो पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की अहंकार आया उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा है, तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़ दिया। जो अहंकारी थे वो 241 पर रुके, और जो राम विरोधी थे वो 234 पर रुक गए। इंद्रेश कुमार के इस बयान से संघ ने ये कहते हुए किनारा कर लिया कि ये बयान इंद्रेश कुमार का निजी बयान है। इंद्रेश कुमार का बयान संघ का आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन विपक्ष को मौका मिल गया है। इंद्रेश कुमार के बयान पर विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा, सुनिए। अब बोलने से क्या फायदा, इंद्रेश जी हो या मोहन भागवत जी हो, कौन सुन रहा है? अब तो मोदी जी ने उनको अप्रासंगिक बना दिया है, और जो रही सही कसर थी 10 साल की मोहन भागवत जी की चुप्पी ने उनको अप्रासंगिक बना दिया। जब आप अप्रासंगिक बन गए, अब आप बोलते रहिए, कौन सुन रहा है आपको? क्या कहते हैं, वो नक्कार खाने में तूती है, बजने दीजिए, कौन सुन रहा है? आरएसएस और बीजेपी के बीच मां बेटे का झगड़ा शुरू हो गया है, और अब बेटे ने अपनी मां का त्याग करने का अभियान शुरू कर दिया है, और मां ने बेटे को सबक सिखाने का अभियान शुरू कर दिया है। बीजेपी ने कहा है कि पार्टी को आज भी उतनी सीटें मिली हैं जितनी 20 साल में किसी पार्टी को नहीं मिली। बीजेपी ने यह भी कहा कि हम गलतियों से सीखने वाले लोग हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती कहां हुई। हिंदू धर्म गुरुओं ने भी इंद्रेश कुमार के अहंकार वाले बयान का विरोध किया है। देखिए, अब ये तो ये है कि जितनी भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली है 240 सीट, उतना कांग्रेस का 3 चुनाव का भी अगर काउंट करें तो लोग नहीं पहुंचते हैं, और आज वो लोग बड़ी बड़ी बात करेंगे तो ये ठीक नहीं। प्रयास बहुत दिनों से करते रहे कि हिंदू मुसलमान की एकता हो जाए, और मुसलमान यह जो भाजपा है, भाजपा को वोट दें जिससे कि इनकी विजय हो, ऐसा प्रयास करते रहे, लेकिन इसमें स्वयं इंद्रेश जी असफल हो गए। इसलिए वो आरोप, अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं। हालांकि इंद्रेश कुमार से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी ऐसा बयान दिया था, जिसे लेकर ये अटकलें लगाई गईं कि बीजेपी और आरएसएस के रिश्ते सही नहीं चल रहे। चुनाव नतीजों के बाद मोहन भागवत ने भी कहा था कि एक सच्चे स्वयंसेवक में अहंकार नहीं होता और गरिमा बनाकर सेवा करता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी मणिपुर हिंसा को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए थे। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बाद इंद्रेश कुमार का ये बयान, हालांकि संघ ने इसे निजी बयान बताकर किनारा कर लिया है, लेकिन विपक्ष बेहद खुश है। इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं, संघ और बीजेपी में खटपट की अटकलें लगाई जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने अयोध्या में मौजूद राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है। आतंकी मसूद अजहर के संगठन जैश ए मोहम्मद ने धमकी भरा ऑडियो जारी किया जिसमें उसने राम मंदिर पर हमले का जिक्र किया। ऑडियो में जैश का लीडर धमकी दे रहा है कि राम मंदिर को तोड़कर वहां बाबरी मस्जिद बनाने के लिए आतंकी भेजे जा रहे हैं। इधर सुरक्षा अलर्ट के बाद राम मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने ऑडियो की जांच भी शुरू कर दी है। अयोध्या में श्री राम के जयकारे से पाकिस्तान के कान फट रहे हैं और जैश का सरगना मसूद अजहर परेशान है। जम्मू में लगातार हो रहे हमलों के बाद आतंकियों की नजर श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या पर है और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है बाबरी मस्जिद को वापस लाना। 9 जून को रियासी में श्रद्धालुओं के बस पर हमले के 5 दिन बाद जैश ए मोहम्मद ने अयोध्या पर हमले की धमकी दी है। राम मंदिर के बनने के बाद आतंकियों में किस कदर बौखलाहट है वो कट्टरपंथियों की चीखती आवाज से साफ पता चलता है। या उसकी जगह बने हुए मंदिर को गिराना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मस्जिद की हिफाजत का तरीका उस वक्त बता दिया था जब कुरान नाजिल हो रहा था कि मस्जिद की जगह अगर मंदिर बन जाए। 88 सेकंड का ये धमकी वाला ऑडियो जैश ए मोहम्मद के किसी लीडर का बताया जा रहा है जो एक जलसे में राम मंदिर पर हमले की गीदड़ भभकी दे रहा है। न्यूज 18 इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मस्जिद की जगह अगर मंदिर बनाने वाले आ जाए, अल्लाह की गैरत, अल्लाह का गुस्सा जोश में आ जाता है। इस ऑडियो के एक एक शब्द नफरत से भरे हैं और ये किसी जलसे में उकसाने वाली तकरीरें हैं। बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान में जैश की तरफ से भारत में नए आतंकी हमले का टारगेट फिक्स करने की तैयारी है। अल्लाह ने ऊपर से लश्कर भेजा, याद रखना ये राम मंदिर भी इसी तरह तबाह होके रह जाएगा। उस रब के नाम पे कह रहा हूँ, उस रब के नाम पे जिसने सूरह फील नाजिल की है, अबाबील पहुंचेंगे, पत्थर गिरेंगे, ये बुत कदा गिरेगा, मस्जिद बाबरी वापस बनेगी। आतंकी संगठन ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें राम मंदिर की फोटो लगाई गई है। उर्दू और हिंदी में जारी इस वीडियो में इस आतंकवादी संगठन का लीडर चेतावनी दे रहा है कि बहुत जल्द अयोध्या में राम मंदिर पर हमला करने कुछ आतंकी आएंगे। वीडियो में कहा गया है कि उनके 3 साथियों ने अयोध्या में बलिदान भी दिया है। इसके लिए जो पोस्टर जारी किया गया है उसमें राम मंदिर की फोटो के ऊपर उर्दू में लिखा हुआ है कि राम मंदिर तोड़ दें। इंशाल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहाँ हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं, इंशाल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। वहीं इस आतंकी हमले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है, मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस पर अलर्ट भी जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक साल 2001 में भी पाकिस्तान ने 3 आत्मघाती आतंकियों को अयोध्या भेजा था लेकिन इनपुट के आधार पर उन्हें पहले ही मार गिराया गया। इसलिए अयोध्या हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रही है। यही कारण है कि केंद्र सरकार अब अयोध्या में आतंकवाद विरोधी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के हब को स्थापित करना चाहती है। श्रद्धालुओं पर आतंकी हमलों के बाद अब सरकार आतंकियों और उनके मददगारों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी में है। आतंकियों के सहयोगियों को कंट्रोल करने के लिए जल्द ही फुल प्रूफ प्लान को जमीन पर उतारा जाएगा। जम्मू के जंगलों के बीच सबसे बड़ा तलाशी अभियान। ड्रोन से तलाशी, कब तक छिपेंगे आतंकी? हिंदुस्तान को घाव देने वाले आतंकियों की कब तैयार है?
जम्मू के घने जंगलों में कब तक आतंकी मौत से छिपेंगे, क्योंकि सेना के जवानों ने उन्हें मौत की नींद सुलाने की कसम खाई है। और चंद घंटे बाद या कभी भी यह खबर आ सकती है कि पाकिस्तान के इन दरिंदों को हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। कठुआ हमले में मारे गए आतंकी की तस्वीर न्यूज 18 के पास है। ये पीओके के रावलकोट का रहने वाला आतंकी हैदर है। इसे बड़ी प्लानिंग के तहत जम्मू में भेजा गया था, लेकिन उससे पहले ही उसका काम तमाम हो गया। हैदर के बैग से पाकिस्तानी सेना के लिए खरीदा गया माइक्रो सैटेलाइट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जब्त हुआ है, जिससे साफ है कि हैदर को पल पल पाकिस्तान में बैठे आका निर्देश दे रहे थे। स्ट्राइक कमांड हो, यानी के होम मिनिस्ट्री के फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की आर्मी और फिर पुलिस और ये सब अलग अलग, और जब इनमें तालमेल हो, जॉइंट ऑपरेशन हो, उसमें समय जाता है। ऐसे अटैक के अंदर एवरी सेकेंड इज इम्पोर्टेंट, इसलिए यूनिफाइड कमांड इन कश्मीर ओनली फॉर डीलिंग विद टेररिज्म वो होनी चाहिए। और तीसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि आतंकी जो हमला कर रहे हैं वो इससे पहले भी यहाँ रह चुके हैं, पता लगाए कि राजौरी और पुंछ में जो हमले हुए हैं, और वो काफ़ी दिनों से यहाँ हैं, इसका मतलब बगैर स्लीपिंग सेल के नहीं है। और अगर स्लीपिंग सेल उनको मदद कर पा रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई स्लीपिंग सेल को प्रोत्साहित कर रहा है, और जो स्लीपिंग सेल को प्रोत्साहित कर रहा है उसे आइडेंटिफाई करो। इस बीच कठुआ में एक संदिग्ध के देखे जाने की खबर के बाद वहां पहाड़ियों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अगले 24 घंटों तक हाई अलर्ट है। 11 जून की रात चेक पोस्ट पर हमला करने वाले 4 संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि ये आतंकी भद्रवा, खात्री, गंदोह के ऊपरी इलाकों में हो सकते हैं, जिनकी तलाश में पूरे डोडा में सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक रियासी में हमला करने वाले आतंकियों में पाकिस्तान के रिटायर्ड सैनिक शामिल हैं, जिन्हें पीओके के लॉन्च पैड में ट्रेनिंग दी गई थी, और यहीं से आतंकी जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसे, फिर राजौरी पहुंचे। यहां से आतंकियों ने रियासी में अपनी पोजिशन संभाल ली। लोकसभा चुनाव के बाद अब मध्य प्रदेश में फिर से चुनाव आ गए हैं। दरअसल छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में एक बार फिर टक्कर देखने को मिलेगी। कमलनाथ लोकसभा चुनाव में अपना गढ़ हार चुके हैं, ऐसे में कमलनाथ के सामने साख का सवाल है। तो उधर बीजेपी जीत से गदगद है, लेकिन उपचुनाव में जीतना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि ये बीजेपी का शान बनाए रखने वाला चुनाव है। लोकसभा के बाद उपचुनाव, किसका चलेगा दांव? बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, जनता किसके साथ? छिंदवाड़ा में फिर कांग्रेस की अग्नि परीक्षा, नाथ का इम्तिहान, पटवारी की बचेगी शान। मध्य प्रदेश में फिर चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। लोकसभा के बाद छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा के लिए उपचुनाव होना है, ऐसे में ये चुनाव कई मायनों में खास होगा। दरअसल छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस गढ़ को ढहा दिया है। अब विधानसभा उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए साख और शान का सवाल है। 2023 के विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा लोकसभा की सभी सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। लोकसभा में करारी हार के बाद अमरवाड़ा उपचुनाव कांग्रेस के लिए साख का सवाल है। देखिए, तैयारी तो माननीय जीतू पटवारी के नेतृत्व में हमने जब से जो अध्यक्ष बने हैं लगातार की है, लेकिन अब जो हार से हमको जो फीडबैक सामने मिला है, जहां जहां हमारी कमियां रह गई हैं उन कमियों को दूर करेंगे, और निश्चित रूप से जो अमरवाड़ा की सीट जो खाली हुई है और जो उसने धोखा दिया है, सबक जरूर सिखाया जाएगा। और मैं समझता हूं कि बहुत प्रचंड बहुमत के साथ विधानसभा सीट जीत करके ये दिखा देंगे कि माननीय कमलनाथ जी का गढ़ कहते हैं ना लोग, तो कमलनाथ जी का गढ़ प्रूफ हो जाएगा, एक बार प्रमाणित हो जाएगा। बीजेपी ने यहां से कमलेश प्रताप शाह को टिकट दिया है। कमलेश प्रताप शाह कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए हैं, ऐसे में कांग्रेस कमलेश शाह के सामने किसे टिकट देगी, इस पर सबकी नजरें हैं। देखिए, वही कांग्रेस है जो भी हाल ही में 29 की 29
लोकसभा चुनाव हारकर कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है, जिनके नेतृत्व में जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस चल रही है, वो अपने बूथ पर 617 वोटों से हारे हैं, अपने वार्ड से वो 15,500 वोट से हारे हैं। तो जो अपना वार्ड और बूथ नहीं जीत सका, जो अध्यक्ष जो अपनी चुनाव में इस पराजय का जिम्मेदारी नहीं ले सका, वो आने वाले चुनाव में क्या गुल खिलाएंगे। ये चुनाव जीतू पटवारी के लिए भी काफी अहम है, क्योंकि बीते दो चुनाव में जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अगर अमरवाड़ा में जीतू पटवारी कमाल कर पाए तो ये पार्टी और कार्यकर्ताओं के मनोबल बढ़ाने में अहम साबित हो सकता है। खैर, अमरवाड़ा का उपचुनाव कांग्रेस की दशा और दिशा तय करने वाला हो सकता है, साथ ही प्रदेश नेतृत्व के लिए खुद को साबित करने का एक मौका भी है। अब देखना होगा उपचुनाव के रण में किसका दाव चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उज्जैन में पुलिस ने सट्टेबाजी के बड़े गैंग का पर्दाफाश किया और इसी दौरान सटोरियों के घर से इतने रुपए बरामद हुए कि नोटों का पहाड़ लग गया। इतने रुपए मिले कि गिनने के लिए मशीनें मंगानी पड़ी। कैसे चल रहा था सट्टेबाजी का ये खेल, आइए जानते हैं। नोटों का ये पहाड़ जिसने भी देखा दंग रह गया। सट्टेबाजी की काली कमाई है ये। नोटों की इतनी गड्डियां कि पुलिस को गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। 15 करोड़ रुपए है ये। उज्जैन पुलिस ने सट्टेबाजी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नोट जब्त किए हैं। पुलिस ने कृष्णा विहार के पास 19 ड्रीम कॉलोनी और मुसद्दीपुरा इलाके में बिल्डर पीयूष चोपड़ा के घर छापे की कार्रवाई कर करोड़ों कैश के साथ ही चांदी की सिल्लियां, यूरो, पाउंड, यूएस डॉलर, हंगरी यूरो, पोलिश मुद्रा, नेपाली रुपए भी बरामद किए। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। करेंसी का भी असेसमेंट कराया जा रहा है, इसमें यूरो भी है, डॉलर्स भी है, पाउंड भी है, हंगरी की करेंसी भी है, अलग अलग 7 देशों की करेंसी है, जिसका भी असेसमेंट जो वैल्यूएर है उससे कराया गया। अभी जो 9 लोग हमने पकड़े हैं, ये पिछले 6-7 महीने से यहाँ पर अभी आए थे और इसके संपर्क में अलग अलग जगह पे आए थे। इसने यूके में जाके ये इस तरह से बेटिंग करना लंदन एक्सचेंज पे सीखा था और ये लोग पंजाब और निबाहेड़ा नीमच के रहने वाले हैं। ये इसके संपर्क में आए थे और यहाँ पर इसके घर में आप निवास करते हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि ड्रीम्स कॉलोनी के एक मकान में बिल्डर पीयूष चोपड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सट्टा खिला रहा है। उसके साथ पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग भी हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने घर पर दबिश दी। यहां T20 वर्ल्ड कप में खेले जा रहे बांग्लादेश नीदरलैंड मैच पर सट्टा लगाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से 41 मोबाइल फोन, 11 लैपटॉप, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सिम समेत कई उपकरण जब्त किए। गिरफ्तार आरोपियों में से 1 राजस्थान, 4 पंजाब और 4 नीमच के रहने वाले हैं। हालांकि मुख्य आरोपी पीयूष चोपड़ा फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड ली जाएगी। आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीयूष चोपड़ा घर से ही सट्टा संचालित करता था। इसमें मुनाफा होने पर उसने अपनी टीम भी बना ली थी। बड़ी मात्रा में कैश और कुछ मेटल भी, प्रेशियस मेटल भी रिकवर किए गए हैं जो अनअकाउंटेड फॉर है। उसके लिए जो है आईटी और एजेंसीज को भी सूचना दी जा रही है ताकि वो भी अपने स्तर पर वेरीफाई करके इसमें कार्रवाई कर सके। साथ ही साथ इस व्यक्ति के लिए, क्योंकि इसका फॉरेन ट्रेवल बहुत रहा है, इसके लिए हमने बहुत जल्दी 1 से 2 घंटे के अंदर एक NOC भी हम जारी कर रहे हैं ताकि ये देश से कहीं बाहर ना जाए। बताया जा रहा है कि एक बार में 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक का धंधा होता था। धंधा कितना करना है ये सब पीयूष ही बताता था। एक मैच में करोड़ों रुपए की हार जीत की बाजी लगाई जाती थी। पुलिस ने पीयूष के घर से पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सट्टे का हिसाब किताब जब्त किया है। पुलिस का कहना है कि पीयूष परिवार के साथ लातविया देश भागने की फिराक में था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया है। अजय पटवा, न्यूज 18, उज्जैन। और उधर इस मामले पर सियासत भी अब गर्मा चुकी है। कांग्रेस नेता ने सटोरिये का संबंध बीजेपी के कई नेताओं से होने की बात कही, साथ ही नाम सामने लाने की मांग भी की। तो उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहते जमकर भ्रष्टाचार हुआ था और कई अधिकारी और करीबी लोगों के पास से काली कमाई जब्त की गई थी। चोपड़ा है, ये बिल्डर भी है, पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है और ये भी जानकारी मिली है कि इसके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ संबंध है। वो जानकारी पब्लिक को जानना पब्लिक का राइट है। ये भी जानकारी दी जाए कि कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो इस बिल्डर्स के पार्टनर हैं,
और जिनके गहरे संबंध इस सटवरिये से हैं, जिसके कारण इतने वर्षों तक खुलेआम ये सट्टा खिलाया जाता रहा। कांग्रेस के ये आरोप प्रत्यारोप उतने ही निराधार और झूठे हैं जितने कि कांग्रेस पार्टी निराधार और झूठी है। पहले तो मुझे कांग्रेस के नेता जवाब दें कि जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, मात्र 15 महीने की सरकार 2018 में, तो किन किन के घर उनके ओएसडी के घर छापे पड़े थे, कितने करोड़ों का कैश उन ओएसडी के घर मिला था, पहले ये उस पर जवाब दें। विधानसभा को लूट का अड्डा बना के छोड़ा था कांग्रेस ने मात्र 15 महीने में, पहले ये उस पर जवाब दें। ये जिस राहुल गांधी की यात्रा जिन जिन क्षेत्रों से निकली है, वहां पे किन किन के घर छापे पड़े हैं, कितने करोड़ों रुपए की बरामदी हुई है, उस पे जवाब दें। रही बात आज भारतीय जनता पार्टी पे जो आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, ये पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अब आपको दुनिया में नए भारत के कद और नए भारत की बढ़ती ताकत का एहसास कराने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें दुनिया के अमीर देशों के संगठन G7 से आई हैं। संगठन का सदस्य ना होने के बावजूद भारत को लगातार पांचवी बार शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया। भारत और मोदी की तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की हुई है वो है मेलोनी के नमस्ते वाले स्वागत से। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात की तस्वीरें भी ध्यान देने वाली थी। इसके बाद मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। पीएम मोदी कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस से मिले। मोदी के फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी हुई। ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और इसी के साथ ही खबर असरदार में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। सावधान, हाईवे पर यमराज, सड़क पर मौत की बेखौफ दौड़, एक गलती और जिंदगी पर ब्रेक। आखिर क्यों अनजान है जिम्मेदार? न्यूज टीम बनेगा जनता की आवाज। देखिए अलार्म